मक्का के निर्यात पर लग सकता है प्रतिबंध। जी हाँ, गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद अब केंद्र सरकार मक्का के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है। दरअसल स्टार्च के तौर पर और पोल्ट्री के क्षेत्र में मक्का की अच्छी खासी मांग रहती है, लेकिन इन दिनों मक्का की कीमतें 2150 रुपये प्रति क्विंटल तक जा पहुँची हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कीमतों में अभी और इजाफा हो सकता है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मक्का की बढ़ती कीमतों और भारी डिमांड के चलते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें मक्का के दाम बढ़ने और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सप्लाई के ठप होने की बात कही गई है। साथ ही मक्का की घरेलू सप्लाई को पूरा करने के लिए मक्का के निर्यात को कम या प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है। ताज़ा आंकड़ों की माने तो इन दिनों मक्का की कीमतों के साथ साथ डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मक्का का भाव 1173 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपये प्रति क्विंटल से कहीं ज़्यादा है। दरअसल पिछले साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो इस अवधि में मक्का का दाम 1653 रुपये 88 पैसे प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। जाहिर है देश में मक्का की अच्छी खासी खपत है। इधर पोल्ट्री क्षेत्र के विकास विस्तार के बीच मक्का से बनी फीड की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन उद्योगों में मक्का की सप्लाई कम होने से जल्द इसके दाम में और इजाफा देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि मिली रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु एग पोल्ट्री फार्म्स मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि नमकल में 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का उन्हें खरीदना पड़ रहा है। एक तरफ कीमतें ज़्यादा हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग भी आसमान छू रही है, वहां घरेलू सप्लाई में परेशानी हो रही है। लेकिन उधर देश के प्रमुख बंदरगाहों पर मक्का की अच्छी खासी खेप निर्यात हो रही है। अब मक्का की घरेलू सप्लाई में आ रही परेशानियों के बीच विदेशों में भारतीय मक्का की मांग बढ़ गई है। इस मामले में एग्रो कमोडिटी एक्सपर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि वियतनाम से लेकर श्रीलंका, इंडोनेशिया और ताइवान से भी मक्का की डिमांड आ रही है और हमसे इसके दाम पूछे जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नए साल के बाद मक्का की विदेशी मांग में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी नए साल की तैयारियां चल रही हैं, जिस वजह से मक्का का स्टॉक होल्ड किया हुआ है। कई देशों तक मक्का निर्यात करने में 9 से 10 दिन का समय लग सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मक्का की डिमांड बढ़ने से निर्यात अधिक हुआ है। इस समय मक्का का स्टॉक भी 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक थोक में मक्का खरीद रहे हैं और ये सप्लाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हो रही है, लेकिन अब तक ये पता नहीं है, क्योंकि बारिश के चलते मक्का में नमी बढ़ गई है। वैसे तो इस साल खरीफ सीजन में मक्का की अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान में इसकी मांग, सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा बड़ा फैसला करने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।